नमस्कार, मैं हूं दिव्या। नॉन स्टॉप 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और विदेश की प्रमुख खबरें। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजो की भारत यात्रा आज से शुरू हो रही है। ये यात्रा आर्थिक संकट के मद्देनजर महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश का विदेशी मुद्रा भंडारण कम है। मुइजो भारत से वित्तीय सहायता की मांग कर सकते हैं, जबकि दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंध सुधारने की उम्मीद है। भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मैच आज ग्वालियर में खेल रही है। नए कप्तान सूर्यकुमार यादव ने प्रैक्टिस के दौरान वॉशिंगटन सुंदर को मजाक में चढ़ाया। ये चोट के कारण लंबे समय से टीम से बाहर है। सुंदर ने नेट्स में शानदार शॉट्स लगाए, जबकि सूर्यकुमार यादव उनकी तारीफ भी कर रहे थे। अमेरिका में भारतीय मूल के चिकित्सकों के संगठन AAPI की अध्यक्ष डॉक्टर सतीश कथुला ने आगामी चुनावों के बाद आव्रजन और स्वास्थ्य सेवा सुधारों की प्राथमिकता की मांग की है। उन्होंने ग्रीन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का आह्वान किया है, क्योंकि H-1B वीजा पर रह रहे चिकित्सक स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। IPL 2025 से पहले मेगा ऑक्शन इस साल के अंत में होने जा रहा है। युवराज सिंह, जिन्होंने 2015 में 16 करोड़ में बिककर सबसे महंगी भारतीय खिलाड़ी का रिकॉर्ड बनाया था। अन्य नोटेबल खिलाड़ियों में ईशान किशन 15.25 करोड़ के साथ, हर्षल पटेल 11.75 करोड़ के साथ, जयदेव उनादकट 11.5 करोड़ के साथ और गौतम गंभीर 11 करोड़ के साथ शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भूटान के वित्त मंत्री लियोनपो लेके दोर्जी के साथ बैठक में कहा है कि भारत भूटान को फिनटेक सहायता बढ़ाएगा। खासकर UPI और रुपे कार्ड के बढ़ते उपयोग को देखते हुए उन्होंने भूटान के विकास समर्थन और मुद्रा विनिमय के लिए भारत की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया है, जिससे दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत हो रहे हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज ने 10 डॉक्टरों, जिसमें इंटर्न और हाउस स्टाफ शामिल हैं, को निष्कासित करने का निर्णय लिया है। ये कार्रवाई विवादास्पद पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ CBI जांच के चलते हुई है। आरोपी में यौन उत्पीड़न, धमकी और वित्तीय अनियमितताएं शामिल हैं। छात्र संगठन WBJDF ने विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो को लेकर दावा किया गया है कि गोवा में एक ओवरलोडेड नाव डूब गई। हालांकि गोवा पुलिस ने स्पष्ट किया है कि ये वीडियो कांगो में हुई एक दुर्घटना का है, जिसमें 76 लोग मारे गए। पुलिस ने भ्रामक जानकारी फैलाने से बचने की अपील की है। एशिया क्रिकेट काउंसिल यानी ACC ने घोषणा की है कि अगले साल एशिया कप का आयोजन भारत में होगा, जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका भी मेजबानी करेंगे। भारत के अनुभवी खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली इस T20 फॉर्मेट टूर्नामेंट में नहीं खेलेंगे। 2024 से 2031 के बीच 3 महिला एशिया कप भी आयोजित होंगे। स्मार्टफोन हमारे ज़िंदगी का अहम हिस्सा है, लेकिन बैटरी लाइफ का ध्यान रखना जरूरी है। फ़ोन की बैटरी कमज़ोर होने पर प्रदर्शन प्रभावित होता है। एंड्रॉयड फ़ोन में बैटरी हेल्थ चेक करने के लिए सेटिंग्स में जाकर बैटरी यूज़ की जानकारी ली जा सकती है, जिसमें पावर कंज्यूमिंग ऐप्स को नियंत्रित किया जा सकता है। फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल का आज आखिरी दिन है। इस सेल में HDFC बैंक के कार्ड से 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहे हैं। प्रमुख डील्स में iPhone 15, CMF Phone 1, सैमसंग गैलेक्सी S23 FE, गूगल पिक्सल 8 और सैमसंग गैलेक्सी S23 शामिल है, जिनकी कीमतें खास ऑफर्स के साथ बहुत कम है। कई परिवार में सभी सदस्य एक ही साबुन का उपयोग करते हैं, जिसमें बैक्टीरिया जैसे सालमोनेला और कोली फैलने का खतरा बढ़ जाता है। भारतीय डेंटल रिसर्च जर्नल के अनुसार साबुन पर 2 से 5 प्रकार के बैक्टीरिया जमा हो सकते हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। इसलिए साबुन साझा करने से पहले सावधानी बरतें और अलग अलग साबुन का इस्तेमाल करें। केंद्र सरकार ने सिविल सेवा यानी CSE और इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा यानी ESE के माध्यम से रेलवे में अधिकारियों की भर्ती की मंजूरी दी है। ये निर्णय IRMS के तहत तकनीकी मैन पावर की कमी के बाद लिया गया है। रेलवे मंत्रालय ने UPSC को नई भर्ती नियमों को अधिसूचित करने का निर्देश दिया है, जिससे सिस्टम में बदलाव किया जा रहा है। कुट्टू का आटा, जिसे बकव्हीट फ्लोर भी कहा जाता है, विशेष रूप से व्रत के दौरान सेवन किया जाता है। ये बकव्हीट पौधे के बीजों से बनता है। कुट्टू के आटे का उपयोग पकौड़ी, पराठे और अन्य व्यंजन बनाने में किया जाता है। इसे नमी से दूर रखना चाहिए और असली कुट्टू की पहचान गहरे भूरे रंग से होती है। भारत की पुरानी लाइब्रेरी ने न केवल ज्ञान का भंडार है, बल्कि हमारी संस्कृति और इतिहास को भी जीवित रखी है।
तंजावुर, तिरुवनंतपुरम, रामपुर और शांति निकेतन में स्थित ये लाइब्रेरी प्राचीन पांडुलिपियों और महत्वपूर्ण दस्तावेजों के लिए प्रसिद्ध है। इन स्थानों पर जाकर आप साहित्य और संस्कृति के अद्भुत खजाने का अनुभव कर सकते हैं। आज के डिजिटल युग में बच्चों की स्क्रीन लत बढ़ती ही जा रही है, जिससे स्वास्थ्य और व्यवहार संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। पेरेंट्स को चाहिए कि वे स्क्रीन टाइम सीमित करें, ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखें, बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, ऑफलाइन गतिविधियों को बढ़ावा दें, स्क्रीन फ्री जोन बनाएं और बच्चों से खुलकर संवाद करें। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE दिसंबर में कक्षा 10वीं और 12वीं की अंतिम परीक्षाओं की डेट शीट जारी करेगा। परीक्षा फरवरी में होने की संभावना है, जिसमें 44 लाख छात्रों की भागीदारी होगी। सभी परीक्षा केंद्रों पर CCTV निगरानी अनिवार्य होंगे। सैंपल पेपर भी उपलब्ध हैं, जिन्हें छात्र बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। सर्दियों में एसी बंद करने से पहले उसकी सही सर्विसिंग करवानी जरूरी है। एसी को पूरी तरह कवर ना करें ताकि फंगस ना लगे। आउटडोर यूनिट को कवर करें और समय समय पर इंडोर यूनिट की सफाई करें। गर्मियों में एसी को सीधे ऑन करने से बचें। पहले उसकी जांच कर लें और सफाई करें ताकि खर्च बच सके। नवोदय विद्यालय समिति यानी NVS 7 अक्टूबर 2024 को JNVST कक्षा 6 में प्रवेश के लिए पंजीकरण विंडो बंद कर देगा। आवेदन करने के इच्छुक अभिभावक NVS की वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। JNV चयन परीक्षा 2025 के लिए पहली परीक्षा 12 अप्रैल और दूसरी 18 जनवरी 2025 को होगी। भारत में त्योहारों की शुरुआत के साथ मारुति सुजुकी, हुंडई, होंडा, महिंद्रा और टाटा मोटर्स जैसी कंपनियों ने अपने मॉडल पर आकर्षक छूट की घोषणा की है। मारुति के जिमनी पर 2.5 लाख रुपए, टाटा के EVS पर 3 लाख रुपए तक की छूट मिल रही है। डिस्काउंट स्थान और डीलर के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। कार में हम अधिक गर्मी लगने पर अक्सर AC का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसे समझदारी से इस्तेमाल करना जरूरी है। जरूरत पड़ने पर AC चालू करें, मध्यम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस पर रखें और कार को स्टार्ट करने के बाद थोड़ी देर बिना AC चलाएं, धूप में पार्क करने से बचें। जरूरत पड़ने पर AC को चालू करें, मध्यम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस पर रखें और कार को स्टार्ट करने के बाद थोड़ी देर बिना AC चलाए रखें। धूप में पार्क करने से बचें। सही उपयोग से आपकी कार की उम्र बढ़ेगी और ईंधन की बचत होगी। भारतीय सड़कों पर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है। नया लाइसेंस ऑनलाइन आवेदन से मिल सकता है, लेकिन अस्थायी लाइसेंस के लिए ड्राइविंग टेस्ट पास करना होगा। टेस्ट में सफल होने के लिए RTO के नियमों को समझें, नियमित अभ्यास करें, कार की कंडीशन चेक करें और सामान्य अभ्यास पर ध्यान दें। सोशल मीडिया पर अफवाहें चल रही हैं कि करण जौहर ने आलिया भट्ट को फिल्म जिगरा के लिए मदद। इस पर करण ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए सफाई दी है, जिसमें उन्होंने वासन बालक के इंटरव्यू को गलत समझा गया बताया है। उन्होंने सभी से अपील की है कि वे पूरे इंटरव्यू को सुनकर धारणा बनाएं। अनन्या पांडे को विक्रमादित्य मोटवानी की साइबर थ्रिलर CTRL में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए सराहा जा रहा है। सामंथा रुथ प्रभु ने इंस्टाग्राम पर अनन्या की तारीफ करते हुए कहा कि उनका प्रदर्शन आउटस्टैंडिंग था। फिल्म जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है, साइबर दुनिया की काली वास्तविकताओं को दर्शाती है और दर्शकों को पसंद आ रही है। अजय देवगन की बहुप्रतीक्षित फिल्म सिंघम अगेन के फैंस के लिए खुशखबरी है। डायरेक्टर रोहित सेट्टी ने ट्रेलर रिलीज की तारीख का ऐलान कर दिया है। ये ट्रेलर 7 अक्टूबर को आएगा। सेट्टी ने इंस्टाग्राम पर एक प्रोमो शेयर किया है, जिसमें कॉप यूनिवर्स की अन्य फिल्मों की झलकियां भी दिखाई दे गई हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के ब्याज पर निर्णय पश्चिम एशिया के संघर्ष और विदेशी निवेशकों की गतिविधियों से इस सप्ताह स्थानीय शेयर बाजार प्रभावित होंगे। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के तिमाही नतीजे और घरेलू आर्थिक आंकड़े भी महत्वपूर्ण रहेंगे। पिछले सप्ताह बाजार में भारी गिरावट आई थी, जिससे निवेशकों को 16.26 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। सहकारी संस्था निफेड की निरंतर बिक्री के कारण सरसों तेल की कीमतों में गिरावट आई है। वहीं सोयाबीन और मूंगफली तेल तिलहन की कीमतें भी कम हुई हैं। इसके विपरीत आयातित खाद्य तेलों की कमी और त्योहारी मांग से सोयाबीन तेल के दाम मजबूत रहे। कच्चे पाम तेल और बिनौला तेल के दाम में सुधार देखने को मिला। पुणे की सैलजा पाइक, जो येरवड़ा झुग्गियों से उठकर अमेरिका में प्रोफेसर बनी है, पहली दलित महिला है जिन्हें मैकआर्थर फेलोशिप मिली है। ये फेलोशिप $8 लाख की सहायता प्रदान करती है। सैलजा ने दलित महिलाओं के जीवन और उनके संघर्षों पर गहरा शोध किया है और इसे सामाजिक न्याय के लिए महत्वपूर्ण बताया है। मस्तिष्क हमारे शारीरिक और मानसिक जीवन का केंद्र है, जो सोचने या याद रखने और निर्णय लेने में मदद करता है।
एक स्वस्थ मस्तिष्क तनाव प्रबंधन, रचनात्मकता और भावनात्मकता संतुलन को बढ़ावा देता है। आज के प्रतिस्पर्धी माहौल में एक सक्रिय और स्वस्थ मस्तिष्क जीवन की जटिलताओं का सामना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम है संजीव कुमार, धनंजय कुमार, मोहम्मद जावेद, राकेश मिश्रा, रंजीत कुमार झा, मोहम्मद अरमान, मोहम्मद साकिर हुसैन, सपना कुमारी, रवि मोहन वर्मा, जुबैर आलम, नौसाद रजा, बाबूलाल मरांडी, अजीत मंडल। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। रात का सवाल है, खुद को स्वस्थ रखने के लिए आप क्या करते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कॉमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।